नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हालांकि इस समय बहुत सी चीजें दूसरी हो रही हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी आपको समझना जरूरी है। इसको समझने के लिए अगर आपके पास वक्त हो तो मैं दो तीन लोगों के लिए कहूंगा कि उनको जरूर कर लें। हफिंगटन पोस्ट में नितिन सेठी नाम के पत्रकार ने 6 पार्ट में अपनी इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें आपकी बहुत क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, कॉमोडोर लोकेश बत्रा, जिन्होंने आरटीआई के थ्रू, उनके और उनके साथियों ने आरटीआई के थ्रू बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट निकाले हैं जिसमें सरकार खुद एडमिट कर रही है कि उसने इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या क्या कमी और ज्यादा है। तीसरा, अभी एक हम लोगों ने सीरीज शुरू की है जिसको हम लोग कहते हैं रिपब्लिक कैफे, लेट्स टॉक। उसमें तीसरे इस बार हमने वक्ता को बुलाया था। पहले हम कनन गोपीनाथन आईएएस अफसर जिन्होंने रिजाइन किया, फिर हमने मातृ सदन के स्वामी शिवानंद, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल वाला मातृ सदन, और इस महीने दिसंबर में हमने एडीआर के डॉक्टर जगदीप छोकर को बुलाया था। तो ये मैं जब आपसे इसको कह रहा हूँ तो मैं इन सब लोगों को ठीक से कर रहा है, उसके दिनों से पढ़ा है, और उसको एक आम नागरिक के लिए, एक आम जन को कैसे क्या समझना चाहिए, उस दृष्टि से इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, ये 1 फरवरी 2017 को हमारे फाइनेंस बिल में बजट के साथ पेश हुआ और जनवरी 2018 से वजूद में आया। इसके जो मोटे मोटे वो हैं क्लॉजेस, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला ये है कि डोनेशन विल बी टैक्स डिडक्टेबल। जो भी डोनेशन जो भी व्यक्ति दे रहा है वो टैक्स डिडक्टेबल होगा, और राजनीतिक पार्टी जो होंगी उनके लिए वो टैक्स एग्जेम्पशन होगा। दूसरा इसका वो है कि इसमें जो भी डोनेशन दे रहा है वो KYC कंप्लायंट होना चाहिए, मतलब नो योर कस्टमर, उसके सारे डिटेल्स बैंक के पास होने चाहिए, और ये बैंक के ही थ्रू ट्रांजेक्शन होगा। कैश में आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते हैं। उसी तरह से जिस राजनीतिक पार्टी को आप ये देंगे वो इसको किसी अपने बैंक में ही जमा करवा के बैंक में ही इसका पैसा आएगा। इसको इशू करने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी एलिजिबिलिटी यह है कि जो भी राजनीतिक पार्टी कम से कम 1% वोट पाई होंगी वही इसके लिए एलिजिबल है। वो सारी राजनीतिक पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में रिटर्न फाइल करती हैं वही इस एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल होंगी। छठा, ये 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1,00,000 के डिनोमिनेशन में है। सातवां, ये प्रत्येक वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं। हर क्वार्टर में ये 10 दिन के लिए खुलेगा, जनवरी से मार्च के क्वार्टर में 10 दिन, फिर अप्रैल के में 10 दिन, जुलाई में 10 दिन, फिर अक्टूबर में 10 दिन। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदेगा उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो वैलिडिटी है वो 15 ही दिन रहेगी। मतलब जिस दिन आपने खरीदा उसके 15 दिन के अंदर आपको जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को ये देना है उसको दे दीजिए। अगर आप ये नहीं दे पाए, 15 दिन से ज़्यादा एक्सपायर हो गया उसकी फिर वैलिडिटी नहीं, तो फिर वो प्रधानमंत्री राहत कोष में ही आप जमा कर सकते हैं या फाड़ के फेंक दें। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंपनी है वो केवल अपने रिटर्न में ये बताएगी कि उसने कितने खरीदे थे, और राजनीतिक पार्टी जो है वो केवल ये बताएंगे कि कितने मिले थे, कहाँ से मिले थे, उधर वो किसको दिए थे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। फरवरी 2017 में उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने इसको फाइनेंस बिल के तौर पर पेश किया। फाइनेंस बिल, जैसा आप जानते हैं, हिंदुस्तान में जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, तो कोई भी मनी बिल अगर हिंदुस्तान के, मतलब कोई पैसा जा रहा है या उससे कोई खर्चा निकाला जा रहा है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से माना जाता है और वो मनी बिल के अंदर आता है। मनी बिल का एक सिद्धांत ये है कि ये केवल लोकसभा में इस पर वोटिंग होती है इसको पास या फेल करने के लिए। राज्यसभा वाले इस पर डिस्कस तो कर सकते हैं लेकिन उनके वोट का कोई मायने नहीं है। इसलिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ये तो किसी की समझ में नहीं आ रहा है किसका ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या लेना देना था, लेकिन फिर भी इसको मनी बिल के तौर पे फाइनेंस बिल में काहे के लिए लोकसभा में पेश करके इसको पास करा लिया गया। तो ऐसा लगता है कि ये चूंकि राज्यसभा में इस पे डिस्कशन नहीं चाह रहे थे और इनको पता था कि ये राज्यसभा से पास नहीं होगा, क्योंकि उस समय 2017 फरवरी में भाजपा सरकार की मेजॉरिटी राज्यसभा में नहीं थी, इसलिए शायद ये रूट लिया गया था। अब इसके जो असली क्रक्स है वो आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि इसमें 5 हिंदुस्तान के एक्ट के अमेंडमेंट किए गए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला RBI एक्ट। देखिए, RBI एक्ट हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो फाइनेंस मैनेजमेंट है, इसको हैंडल करता है, और उसके बहुत सीरियस ऑब्जेक्शंस थे
इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए उसका कहना था मनी लॉन्ड्रिंग होगी, उसका कहना था कि और भी इसमें दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये एक तरह से बेयरर बॉन्ड की तरह है, मतलब जो जो इसका ओनर है उसी का पैसा है, ये कहीं ट्रेल नहीं पता किया जा सकता कि किसने लिया किसने खरीदा। तो इस पर उनका बहुत ऑब्जेक्शन था, लेकिन इन सबको किनारे करके आरबीआई का जो एक्ट है उसको और आरबीआई की जो सॉवरन पावर्स होती हैं उस एक्ट के तहत इसको चेंज किया गया। दूसरा जो आईटी एक्ट है इसमें क्या चेंज किया गया, क्योंकि इससे पहले इलेक्टोरल ट्रस्ट थे जिनके पास पैसा आता था, नॉन प्रॉफिट मेकिंग के तौर पे वो काम करते थे और वो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते थे। अब क्या हो गया कि सेक्शन 13A के मुताबिक जो आईटी एक्ट में चेंज किया गया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अगर कोई पैसा दे रहा है कोई भी कंपनी तो उसको उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखना है। मतलब कल के दिन अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले पूछते हैं उसके बारे में कोई बात करते हैं तो देयर इज नो क्लू, उसके बारे में कोई बात हो ही नहीं सकती है। दूसरा चेंज ये किया गया कि जो फेस वैल्यू है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की उनकी इनकम में इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया। तीसरा चेंज हुआ आरपी एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, उसके सेक्शन 29C में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 2000 से ऊपर पैसा देता है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को। अच्छा, इसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी और बता दूं कि जब ये नहीं आया था उससे पहले एडीआर की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार भाजपा और कांग्रेस ये दोनों ये दिखाते थे कि 19,999 से कम था, क्योंकि उस समय लिमिट थी 20,000, अब वो लिमिट इन्होंने 2000 कर दी थी। मतलब 2000 से ऊपर अगर कोई आपको डोनेशन दे रहा है तो उसका पैन, वो कौन है, उसके सारे डिटेल्स आपको देने होंगे। इसको भी चेंज किया और अब अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कोई सैकड़ों करोड़ भी आपको दे रहा है तो ये आपको कहीं डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है इलेक्शन कमीशन या किसी भी जगह पे। चौथा चेंज जो आया वो कंपनीज एक्ट में किया गया। कंपनीज एक्ट में क्या चेंज किया गया, इससे पहले जो कंपनीज एक्ट था उसमें कोई कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग हो वो अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकता था, ये कैप था। अब क्या है, वो कैप हटा दिया गया। आप लॉस मेकिंग हो, आप प्रॉफिट मेकिंग हो, आप इंडिविजुअल हो, कोई जितना पैसा चाहे वो दे सकता है, कोई कैप नहीं। आप लॉस भी बना रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्या हुआ कि इवन पहले था ना कि लॉस मेकिंग के जो शेल कंपनीज थी उसको भी आपने आने दिया, जो शेल कंपनीज हैं वो भी इसमें दे देंगे। पांचवा चेंज जो हुआ वो FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है उसमें चेंज किया गया। उसमें क्या चेंज किया गया, महत्वपूर्ण चेंज किया गया। 1976 का था FCRA एक्ट, 2010 बोला जाता था, आपने उस एक्ट को चेंज किया बाय अ फाइनेंस बिल ऑफ 2018। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने जानबूझ के काम किया, आपने इसमें यह कहा कि जो फॉरेन फंडिंग, क्योंकि फॉरेन फंडिंग मना थी किसी पॉलिटिकल पार्टी, इस इलेक्टोरल बॉन्ड से आने से पहले कोई भी फॉरेन फंडिंग किसी राजनीतिक पार्टी को पैसा नहीं दे सकती थी। इन्होंने क्या अमेंडमेंट कर दिया, इन्होंने अमेंडमेंट किया कि 1976 विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कोई भी अगर फॉरेन फंडिंग आई होगी तो उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया विद अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये क्यों किया गया इसमें भी जरा समझ लीजिए। 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को इंडिक्ट किया था क्योंकि ये दोनों लोग दोषी पाए गए थे, इन लोगों ने फॉरेन फंडिंग ली थी और ये दोनों लोग दोषी पाए गए थे, तो शायद उसको ठीक करने के लिए इन्होंने ये किया। अब आज की तारीख में क्या हो गया FCRA एक्ट चेंज करने से कि कोई भी विदेशी कंपनी, वो चाहे शेल कंपनी हो, वो चाहे ड्रग कंपनी हो, वो चाहे टेरर कंपनी हो, कोई भी कंपनी, क्योंकि वो तो आके बॉन्ड खरीदेगी, उसने बॉन्ड खरीदा, अब ये पता नहीं उसने किसको दिया और वो ले जाके वो पैसा जो भी उसकी मर्जी की पार्टी होगी उसको दे देगी। मैं आगे बढ़ने से पहले एक और आपको बात कर दूं, दुनिया में कहीं भी जो जो लोकतंत्र है जहां पे भी इस तरह की पॉलिटिकल फंडिंग नहीं होती है जैसा ये कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है, लेकिन ये तो पूरी तरह से काले धन को ही सिस्टम में और लाने का कवायद लग रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, US में, अमेरिका में अगर $200 से ज्यादा कोई पॉलिटिकल फंडिंग करता है तो उसका नाम, पता, डोनेशन, ये वो, उसका एम्प्लॉयर तक का नाम, उसको पूरे डिटेल्स दे रहे होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे ही बताना होता है। दूसरा यूनाइटेड किंगडम, यहां पे अगर कोई 7,500 पाउंड से ज्यादा का पॉलिटिकल डोनेशन देता है
तो उसके सारे डिटेल्स उसको बताने पड़ते हैं। हिंदुस्तान में आप हजारों करोड़ भी दे दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और क्यों ये कह रहे हैं, इसके अगेंस्ट आरबीआई भी है और इलेक्शन कमीशन भी है। आरबीआई का मतलब मैं एक छोटी सी बात करूं, अगर आप नितिन सेठी की रिपोर्ट पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है इस देश में। 2017 में 28 जनवरी को, जो सैटरडे का दिन था, ये कहीं से उस समय इन लोगों को लगा कि ये तो आरबीआई से भी लेना पड़ेगा इसमें परमिशन, क्योंकि आरबीआई की जगह आप एसबीआई, क्योंकि इस तरह के बॉन्ड्स हैं, आप एसबीआई से ये बॉन्ड्स उसको डेजिग्नेट कर रहे हैं, तो आरबीआई को भी आपको कहीं ना कहीं उसकी सहमति चाहिए। पहली फरवरी को बिल आना है, बजट आना है। आपने 28 जनवरी को दिन में 1:45 पे रिजर्व बैंक को एक ईमेल भेजते हैं कि ये है और इस पर अपनी सहमति दीजिए। आरबीआई सैटरडे संडे बंद रहता है, मंडे 30 जनवरी को सुबह ही सुबह आरबीआई इस पर अपना सख्त ऑब्जेक्शन दर्ज करता है और वो कहता है ये ठीक नहीं है। और उसने बहुत से इसके कारण कहे, उसने कहा इसे ब्लैक मनी आएगा, उससे वो एक लंबे कारण है, अगर आप उस रिपोर्ट में देखिएगा तो ये सब है। और ये सब उनके जवाब, लोकेश बत्रा साहब ने, ये सब उनके ओरिजिनल जवाब की कॉपीज है वहां पे। 30 जनवरी को जब आता है तो रेवेन्यू सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी ये सब लोग मिल मिला के 2-4 घंटे के अंदर ये माना जाता है, उसमें कहा यह जाता है कि ये आरबीआई वाले बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, और अब चूंकि फाइनेंस बिल ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है और अब टाइम नहीं है। अच्छा, तुमने टाइम क्यों नहीं दिया? अब टाइम नहीं है तो इसको अब हम लोग मानते हैं, और इसको 2-3 जो सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री के रहते हैं उन्होंने साइन किया और मंत्री जी साइन करके इसको इन्होंने फाइनेंस बिल के रूप में वो कर दिया, क्योंकि उसमें आरबीआई ने बहुत से होता है। आरबीआई का कहना था कि ये सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी नहीं इफेक्ट करेगा, उनको डर ये भी था कि ये कहीं रुपये का डिवेल्यूशन भी ना कर दे। अब इलेक्शन कमीशन की क्या समस्याएं हैं? इलेक्शन कमीशन ने पहले दिन से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को इसमें अपने रिजर्वेशंस भेजे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उसने फिर अब एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे उसने कहा है कि इसके आने से सीरियस इंपैक्ट ऑन ट्रांसपेरेंसी पड़ेगा। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने 2016 और 2017 का जो फाइनेंशियल बिल के द्वारा की स्टैट्यूट जो बदले गए हैं उसका भी विरोध किया है। अच्छा, अब सेंटर क्या, मतलब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, ये तो सीक्रेसी है, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी का हम उल्लंघन नहीं होने देंगे। मतलब देश में आप काला धन लाइए और वो राइट ऑफ सीक्रेसी के पर्दे के पीछे हम उसको छुपाएंगे। अब जरा कुछ चीजें और आप समझ लीजिए कि इसमें कहां कहां हस्तक्षेप हुए। ये तो कथा अनंत है, लेकिन मैं उसको जल्दी जल्दी कुछ कोशिश कर रहा हूं। पहला, कहां कहां ऑब्जेक्शन है। पहला, पीएमओ। मतलब पीएमओ का काम इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या मतलब है? अरे कोई कानून है, कोई पैसा देना है उसको दें, उससे पीएमओ का इससे सबसे क्या मना? लेकिन पीएमओ इसमें कई बार हस्तक्षेप किया है, ये सब उस नितिन सेठी की रिपोर्ट में है, जहां डॉक्यूमेंट के साथ है। हुआ क्या कि पहला ट्रेंच जो था जनवरी 2018 से ये लागू हुआ, पहला ट्रेंच हुआ कि अप्रैल 2018 से ये शुरू हो, लेकिन इन लोगों को कुछ लगा कि नहीं इसी साल का, क्योंकि कुछ कंपनीज ने कहा कि पैसा आया गया है। तो पीएमओ के हस्तक्षेप से मार्च 2018 में एक विंडो खोली गई और उस विंडो में 222 करोड़ रुपए आया, और चूंकि 2017-18 का रिटर्न अब फाइल हो चुका है, ये पब्लिक डोमेन में है, उस 222 करोड़ में 210 करोड़ बीजेपी को की फंडिंग हुई, करीब करीब 95% केवल बीजेपी को गया। अब मार्च में तो हो गया, अप्रैल में नेक्स्ट क्वार्टर का विंडो खोली, उसमें अप्रैल 2018 की मैं बात कर रहा हूं, उसमें करीब 114 करोड़ 90 लाख रुपए आया। अब इस बीच कर्नाटका इलेक्शन आ गया, अब चूंकि अप्रैल मई जून का क्वार्टर तो पूरा हो चुका था, लेकिन पीएमओ फिर आया कि भाई इसको मई में भी 10 दिन के लिए खुला जाए। अब यहां पे एक भाई साहब हैं जिनका नाम याद रखे, विजय कुमार साहब हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उन्होंने उसको खूब मैनिपुलेट किया, उन्होंने कहा वहां से आया, मतलब उन्होंने सारे कागज रंगे और फाइनली वो मई 2018 में भी ये विंडो खोली गई। तो मतलब मार्च में भी खुला, अप्रैल में भी खुला, मई में भी खुला, क्योंकि कर्नाटक इलेक्शन थे। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन आए, अक्टूबर में ऑलरेडी खुल चुकी थी एक विंडो, लेकिन अक्टूबर 2018, ये नेक्स्ट मतलब ये थर्ड क्वार्टर की बात है, नवंबर 2018 में फिर इंटरवीन किया ये विजय कुमार साहब ने, और उसमें सब लिखेंगे आप जब पढ़ेंगे तो कैसे कैसे उनको इंस्ट्रक्शन मिलना है। 184 करोड़ रुपया फिर आया, और 184 करोड़ आया। एक बात आपको और बता दूं, मई 2018 में एसबीआई से आया कि भाई एक भाई साहब कुछ लोग आए हैं, कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमारे यहाँ, दो इलेक्टोरल बॉन्ड 10-10 करोड़ के,
और वो तो लैप्स हो गए हैं, उनका 15 दिन से ज्यादा का पीरियड हो गया है। तो जो जिस जो इसको जमा कर रहा है उन्होंने नाम तो नहीं बता रहे हैं, ऑब्वियसली जो जमा कर रहा है सबको पता है कौन जमा कर रहा है, कौन पार्टी है। तो इसको क्या हम 15 वर्किंग डे मान लें? तो इस पे काफी कार्रवाई हुई और फिर विजय कुमार ने नहीं, बिल्कुल नहीं, 15 वर्किंग डे नहीं है, 15 डेज है, लेकिन आप इसमें से 10 करोड़ रुपए को मान लीजिए तो 10 करोड़ रुपए फिर मंत्रालय के इंटरवेंशन से फिर 10 करोड़ रुपए मानेगा, 10 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में चले गए। एक चीज इसमें और कही गई थी, बार बार यह कहा जा रहा था कि यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा और पता भी नहीं लगेगा किसने दिया किसने लिया। एक दी क्विंट है, उसने अप्रैल 2018 में 1,000 के 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और उसको जब फॉर्सेनिक के पास भेजा तो उसमें बिल्कुल साफ आ गया कि उसके नंबर्स हैं। और फिर सरकार बाद में कहने लगी कि हाँ हाँ वो नंबर हैं क्योंकि कुछ तो अकाउंटिंग होगी, और SBI भी कहने लगा कि अब अगर अकाउंटिंग ही नहीं होगी तब तो कोई भी छाप दे तो हम इसको कुछ हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक ये लीड है जो सरकार है, जो भी सरकारी पार्टी है, वो अगर चाहे तो उसको ये पता लग सकता है कि किसने कौन सा बॉन्ड खरीदा है, और उसके बाद तो वो आपके पास आता ही है किसने किसको दिया है, ये तो पता लग ही जाएगा। अब इसमें मुख्य यह है कि हमको और आपको इसमें ऑब्जेक्शन क्या है। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्शन यह है कि ये ऐसा लगता है अभी तक का पास्ट रिकॉर्ड देख के कि केवल सत्ताधारी दल को ही ये पैसा जाएगा, जो भी गवर्नमेंट इन पावर होगी वो पिछले उसमें हुआ भी 95% 222 करोड़ में 95% केवल उनको गया, तो जो भी सत्ता में पावर होगी इसके अलावा किसी दूसरे को जा नहीं सकता है, ये हम और आप भी समझते हैं। तो एक तरह से जो भी सत्ताधारी पार्टी है उसने अपने फायदे के लिए इसको कहीं ना कहीं से मैनेज किया है। दूसरा, कोई भी विदेशी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो ड्रग मनी हो, चाहे कोई मनी हो, वो इसको खरीद के आपको दे देगा। तीसरा, लोग ये कह रहे हैं ना कि बिल्कुल वाइट मनी होगा और जो डॉक्यूमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि ये तो भाई टैक्स पेड मनी है, वो सब कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का इसमें ऑब्जर्वेशन है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये काला धन को सफेद करने का एक बड़ा जरिया हो सकता है। अंत में कोर्ट ने इसको सुना, इलेक्शन कमीशन गया है, फिर ADR गई है, फिर और चीज संस्थाएं गई हैं, और सुन के उनका ऑब्जर्वेशन था कि इट हैज लॉट ऑफ वेटी इश्यूज, मतलब बहुत भारी भरकम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, लेकिन 7-8 महीने हो गए अभी तक तो तारीख इस वेटी इश्यूज के लिए नहीं पड़ी है, उम्मीद है कि जनवरी में इसकी कोई तारीख शायद पड़ जाए। आप सब लोगों से सिर्फ इस बात का आग्रह है कि अगर टाइम हो तो नितिन सेठी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। देश में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से एक पार्टी विशेष अपना जो मतलब फैला रही, देखिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अलावा भी बहुत पैसा आता है, लेकिन ये एक जो आप एक तरह का डंडा चला रहे हैं कि केवल एक ही पार्टी को, हालांकि हम तो इसके भी उस विरोधी कि 1% वाली पार्टी को क्यों मिले, जिसको जितने वोट कहीं किसी को भी कोई देना चाहे दे सकता है, मुझे आप अच्छे लगते हैं कि भाई ये पोलिटिकल पार्टी नहीं आई है तो मैं उसको दे दूँ, लेकिन ये अलग बातें हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल काले धन को, विदेशी धन को, गलत धन को कहीं ना कहीं से किसी न किसी फायदे के लिए सत्ताधारी पार्टी में लाने की प्रक्रिया है, की कोशिश है। धन्यवाद। तो हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले।